कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ में रेप और हत्या के केस को लेकर भारतीय पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कुछ बातें कही, जिनको लेकर अब भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी भड़क चुकी हैं। मोहम्मद शमी और उनकी वाइफ यानी कि हसीन जा के बारे में सभी को पता है कि उनका अभी तलाक हो चुका है, और इन दोनों के रिश्ते को लेकर भी मैंने कुछ पहले वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हसीन जा के बारे में, जिन्होंने सौरभ गांगुली ऊपर बहुत से कलंक लगाए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ में रेप के मामले को लेकर सौरभ गांगुली ने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसको लेकर अभी बवाल मच चुका है। हालांकि इसके बाद में सौरभ गांगुली ने अपने बयान को लेकर कुछ सफाई भी दी है, और इसके साथ साथ सौरभ गांगुली कोलकाता में हो रहे विरोध प्रदर्शन में भी शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल सौरभ गांगुली ने कुछ दिन पहले कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं दुनिया भर में होती रहती हैं, तो इसको लेकर पूरे बंगाल की सुरक्षा पर अंगुली उठाना गलत है। गांगुली के इसी बयान को देखते हुए मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ यानी कि हसीन जहां ने कुछ बातें लिखी हैं, और हसीन जहां की यह बातें काफी चुभने वाली हैं। हसीन जहां के बारे में सभी को पता है कि हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच में किस बात को लेकर तलाक हुआ है। तो इस बार हसीन जहां ने सौरभ गांगुली के दिए हुए बयान का वीडियो वायरल करते हुए उसके साथ ही लिखा कि मोहम्मद शमी और गांगुली जैसे लोग औरत को मनोरंजन का खेल समझते हैं, और शायद इसीलिए सौरभ गांगुली ने यह बात बोली है कि एक रेप जैसा कांड पूरी दुनिया में होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सौरभ गांगुली ने जब यह बात कही कि इसमें कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, तो उस बात को लेकर हसीन जहां काफी नाराज दिखाई दी। लेकिन इसके बाद में सौरभ गांगुली ने हसीन जहां की इस वीडियो के बाद में इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह मामला सीबीआई के पास में गया हुआ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके आगे क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ खबरों के बारे में बात करें तो जैसा कि सभी को पता है कि आगे आने वाले महीनों में महिला टी20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाना है, और सभी को पता ही है कि महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब इस वर्ल्ड कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने यह सभी को आश्वासन दिया है कि यह वर्ल्ड कप बांग्लादेश में नहीं करवा के किसी और देश में करवाया जाए, जिसके लिए बांग्लादेशी बोर्ड ने पहले बीसीसीआई से निवेदन किया कि वह इस बार का वर्ल्ड कप अपने देश यानी कि भारत में करवाए, लेकिन बीसीसीआई ने यह साफ इनकार कर दिया क्योंकि बीसीसीआई चाहती है कि 2025 में होने वाला महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाए। साथ ही बीसीसीआई ने इसके बारे में इनकार करते हुए कहा कि बीसीसीआई लगातार 2 वर्ल्ड कप अपने देश में नहीं करवा सकती। तो अब इस बार टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन दुबई में होने वाला है, और महिलाओं का वनडे वर्ल्ड कप जो कि अगले साल होगा वह इंडिया की धरती पे खेला जाना है। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप यानी पुरुष वाला वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने अपना नाम किया है, और अब टीम इंडिया का अगला मिशन 2025 में खेले जाने वाली WTC फाइनल होने वाला है, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। टीम इंडिया फिलहाल एक महीने के लंबे ब्रेक पे गई हुई है, और इसके बाद टीम इंडिया अगले महीने सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका आयोजन भारत की धरती पे होगा। इसके बाद में अगली सीरीज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी होगी, जो कि भारत में खेली जाएगी, और इन 2 सीरीजों के बाद में टीम इंडिया का अगला मिशन होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खास बात यह है कि इस सीरीज में इस बार 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहली बार होने वाला है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन नवंबर से लेकर जनवरी 2025 तक किया जाएगा, और अगर टीम इंडिया इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है तो टीम इंडिया निश्चित रूप से WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी, और साथ ही टीम इंडिया लगातार 3री बार ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी। इसके साथ साथ टीम इंडिया लगातार 3री बार WTC के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम हो जाएगी। टीम इंडिया पहली बार 2021 में WTC के फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां पर टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने हराकर वापस भेज दिया। इसके बाद में टीम इंडिया 2 साल बाद यानी कि 2023 में भी WTC के फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां टीम इंडिया का सामना एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम से हुआ, और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप और साथ ही WTC का फाइनल भी टीम इंडिया को हराया था। लेकिन अब इस बार टीम इंडिया के सामने सभी पुराने हिसाब बराबर करने का समय आ चुका है। टीम इंडिया इस बार WTC का फाइनल रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतने वाली है, जिसके लिए वर्तमान में टीम इंडिया बहुत ही संघर्ष और मेहनत कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।